हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल एनएसटी लाइव। ये है फोटोशॉप पार्ट 4, आखिरी पार्ट इसके बाद आएगा। अगर आप चाहते हैं कि टैली भी हम करें, क्योंकि अगला पार्ट जब ये खत्म हो जाएगा तो हम टैली स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके लिए भी एक होमवर्क है। ये क्या है? तो आपको मेरा सब्सक्राइबर 1000 से अबव करना होगा, तभी हम भी टैली स्टार्ट करेंगे। अरे आप भी मदद कीजिएगा, तभी तो हम आपका मदद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप। तो आज हम लोग टूल इस्तेमाल करेंगे किस किस का? रबर का। और रबर इरेजर, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। उसके बाद ग्रेडियंट टूल का, डॉज टूल का, और ब्लर और स्मज टूल का। चलिए तो इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हुए चलिए टॉपिक को इस्तेमाल करते हैं। चले जाएंगे, पहले हम एक लेते हैं इमेज। चलिए तो एक इमेज ले रहे हैं। ये इमेज मेरा ही लोगो है जो कि कल मैंने बनाया था। देखिए पढ़ के थोड़ा सा ये हो जाता है। पबजी का लाइव भी हम स्ट्रीम स्टार्ट कर दिए, जरूरी था, क्या करते हैं। ओ वाह, किलर ग्रुप देखते हैं, लोगो इतना मस्त है। तो चलिए हम इस्तेमाल करते हैं सबसे पहले कैसे इरेजर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक ही लेयर है, अगर हम इस लेयर का देख रहे हैं यहाँ बैकग्राउंड। इरेजर क्या करता है, जब हम इरेज करते हैं तो वो क्या करता है, उस चीज को इरेज करके उसका बैकग्राउंड लाता है। तो चलिए अभी इसका बैकग्राउंड कैसे रखे, अगर हम इसका बैकग्राउंड कोई भी कलर लेते हैं रेड, अगर हम ये इरेज करेंगे तो यहाँ देखिए इसका बैकग्राउंड क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। ये इरेजर का कलर हो जाता है बैकग्राउंड। तो हम इस इरेजर का कलर क्या करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से किसी को पिकअप कर दे, यहाँ भी सिंपल सा क्लिक कीजिएगा, लेफ्ट क्लिक और ओके प्रेस कर दिएगा, तो ये बैकग्राउंड क्या हो गया, व्हाइट। अब हम इसको इरेज करेंगे तो क्या हो रहा है, देख रहे हैं इरेज हो रहा है, सेम टू सेम बैकग्राउंड के भी मर्ज हो रहा है, मिल जा रहा है। इस तरह हम किसी को भी इरेज कर सकते हैं। चलिए इसको कंट्रोल प्लस अंडू करते हैं। तो ये सिंपल टूल था इरेजर का। इरेजर पे राइट क्लिक मारिएगा तो एक होता है बैकग्राउंड इरेजर टूल और एक होता है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक, अब ये क्या करता है, बैकग्राउंड मैजिक एक ही है, ये क्या करेगा कि बैकग्राउंड ही हटा देगा। बताए थे बैकग्राउंड हटाने से क्या होगा कि हम उस इमेज को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे बैकग्राउंड में, क्लियर बैकग्राउंड में। तो देखिए अगर हम मैजिक का इस्तेमाल करेंगे, हम क्योंकि हम मैजिक इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये देख रहे हैं टोटल व्हाइट है। देखिए हम इरेज किए, टोटली इरेज हो गया, इधर कुछ बच गया, फिर हम इधर क्लिक किए, इधर भी इरेज हो गया, इसके अंदर क्लिक किए, ये भी इरेज हो गया, इसके अंदर क्लिक किए, ये इरेज हो गया। अब यहाँ देखिए इसका बैकग्राउंड इरेज हो गया, अब ये क्या ट्रांसपेरेंट इमेज हो गया है। अब हम कहीं पे भी हम एक इमेज लेते हैं, बैकग्राउंड कोई भी बैकग्राउंड लेते हैं, चलिए हम इसी बैकग्राउंड को लेते हैं। अब इस बैकग्राउंड में हम यहाँ पे क्लिक करने लगता है, हम इस बैकग्राउंड में लेके आते हैं इस इमेज को। वाह, देख सकते हैं आप, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, छोटा कर लेते हैं, ओके। देख रहे हैं, उसका मतलब बिना बैकग्राउंड का वो लोगो यहां आ गया। कैसे? पहले हम उसका क्या किए, बैकग्राउंड को रिमूव किए। दो तरीका है, चाहे तो हम उसको सेलेक्ट करें प्रॉपरली या फिर उसका वहां से बैकग्राउंड ही हटा देते हैं। लेकिन यहां देखिए जस्ट उल्टा हम अगर करते हैं, यहां हम बिना बैकग्राउंड का करते हैं, जैसे कि यहां पहले हम कोई भी आया बिना बैकग्राउंड का, अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए उसके साथ व्हाइट पोर्शन भी आ गया, उसका बैकग्राउंड था व्हाइट तो वो भी था, बस वो लोगो चाहिए था, या फिर कोई वहां इंसान होता उस इंसान को कॉपी करके यहां लेके आते हैं, तो वो क्या करते हैं, हम उसका दो तरीका है, चाहे तो उसका बैकग्राउंड क्लियर कर देंगे या फिर सेलेक्ट करेंगे उस पर्सनली उस इंसान को और वहां से उसको ड्रैग करेंगे। वो पिछला पार्ट में हम बता चुके थे कैसे। यहां दूसरा तरीका क्या है कि हम उसका बैकग्राउंड को इरेज कर देंगे, उसके बाद वहां से ड्रैग और ड्रॉप करेंगे। ये था इरेजर टूल। उसके बाद आता है ग्रेडियंट टूल। चलिए देखते हैं इसका भी इस्तेमाल कैसे करते हैं। डोंट अप्लाई ग्रेडियंट क्या होता है, किसी देखिए यहां पर हर एक तरह का ग्रेडियंट का डिजाइनिंग है। जैसे हम इसको डिजाइन को चूज करते हैं और कलर कोई भी हो, हम यहां से बस इसको ड्रैग करते हैं। यहां देखिए थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक, मतलब थोड़ा सा क्या बोले, बहुत अच्छा लग रहा है। किधर से भी कर सकते हैं, हम इधर से भी कर सकते हैं, जिधर से चाहिए मर्जी उधर से चाहिए वो कर सकते हैं। इमेज को थोड़ा सा रियलिस्टिक करने के लिए यूज होता है इसका। हम अलग तरह का भी और भी डिजाइनिंग है, यहाँ देख सकते हैं कलर में देख सकते हैं। इसमें क्या है कि अब कभी कभी होता क्या है कि ये टोटल को कवर अप कर लेगा, तो इसको हमेशा जब भी काम कीजिए एक न्यू लेयर पे कीजिए। देखिए बढ़ाइएगा नहीं, आप लोग यही गलत काम करते हैं कि अब ये चीज हम छूट जाता, अभी आप लोग देखिए हाँ ये तो बढ़ाने से हो जाता, अभी हम बढ़ा देते आगे। तो मेरा बात को सुनिए, पहले पूरा सुनिए। देखिए अब हम क्या करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर गलती से हम यहाँ ओपेसिटी बढ़ाए हुए थे, अगर ओपेसिटी 100 रहता तो ये देखिए कुछ दिखेगा ही नहीं। अगर हम इसको ये लेते हैं, अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये हम इसको कंट्रोल कहां से कर सकते हैं। तो हम इसको पहले अंडू करते हैं टोटल,
और एक न्यू लेयर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं नीचे में लेफ्ट साइड कॉर्नर, राइट साइड कॉर्नर में न्यू लेयर, मतलब विदाउट कोई लेयर, मतलब क्या बोलते हैं हम, बिना किसी बैकग्राउंड का एक ट्रांसपेरेंट लेयर। उसमें क्या करेंगे हम, यहां से ड्रैग करेंगे। अब यहां देखिए कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हम क्या किए, बैकग्राउंड मेरा क्लियर आउट है, यहां देख सकते हैं बैकग्राउंड है, इसको हाइड करेंगे, दिख रहा है, इसको लाए, दिख रहा है। अब हम यहां क्या करना है, इस लेयर को सिलेक्ट करके इसका ओपेसिटी हम यहां से कम कर सकते हैं। देखिए ओपेसिटी कम कर रहे हैं तो अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अभी इसका जो ग्रेडियंट फ्लो है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम बैकग्राउंड में डायरेक्ट डालते हैं तो वहां उसका कंट्रोल नहीं कम कर पाते हैं, डायरेक्ट ऊपर से ही कम कर सकते थे यहां ओपेसिटी से। लेकिन एक बार अगर उसमें लग जाता गलती से और सेव हो जाता तो फिर सत्यानाश। चलिए यहां पर था ये ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल में और भी तरीके का है, यहां देखिए इलिप्टिकल है, सिलिंड्रिकल है, हर एक तरीके का डिजाइनिंग का यहां पर आपको ये मिल जाएगा, जैसा आपको करना उस हिसाब से यहां पर कर सकते हैं। उसके बाद आता है ब्लर टूल। ब्लर टूल का हम इस्तेमाल जरूर किए थे वहां पर, ऑटोमेटिक ब्लर टूल कहां पर जाके, फिल्टर में ब्लर में जाके। लेकिन यहां हम ऐसे भी ब्लर कर सकते हैं, देखिए कैसे करते हैं। चलिए ओपन करते हैं कोई नया इमेज, राज सोना को नहीं करेंगे इमेज, इसको लेते हैं। देखिए अभी हम फिलहाल उसका बैकग्राउंड तो पहले ही से है, तो हम इसको कहां से करेंगे, तो चलिए हम इसी को ब्लर कर देते हैं। तो हम लेते हैं ब्लर टूल, ब्लर टूल में जाके इसका देखिए, इसको अगर साइज बढ़ाना है ब्लर टूल, या फिर देखिए इरेजर टूल, इरेजर टूल का भी अगर यहां पर सिंपल इरेजर लेते हैं, अगर सिंपल इरेजर का भी अगर साइज बढ़ाना है या छोटा करना है, सिंपल सा क्या है, राइट क्लिक मारिए, राइट क्लिक मारिएगा तो यहां देखिएगा कि मास्टर डायमीटर आ जाता है, कम करेंगे यहां देखिए कम हो गया, ज्यादा करेंगे ज्यादा हो गया। और यहाँ एक और चीज है, अगर कैप्स लॉक ऑन रहता है तो यहाँ देखिए उसका आउटलाइन नहीं दिखेगा, वहीं कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो उसका आउटलाइन आ जाएगा। तो चलिए हम इसका करते हैं, अब यहाँ ब्लर टूल, ब्लर टूल में इसका साइज हम बढ़ा लेते हैं और यहाँ देखिए हम ब्लर करना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ देख सकते हैं ये इरेज ब्लर हो गया, ये जो इमेज था, ये जो आदमी वहां खड़ा था वो ब्लर हो गया। इस टूल के मदद से हम किसी भी इमेज को ब्लर कर सकते हैं, चाहे इमेज या उसका बैकग्राउंड, जो भी अगर चाहते हैं हम उसको मैन्युअली ब्लर कर सकते हैं। उसमें क्या था, ऑटोमेटिक मतलब टोटल को सेलेक्ट कर लिए और ब्लर पे जाके फिल्टर में जाके ब्लर कर लिए, ये पार्ट टू में शायद, हाँ पार्ट टू में था। तो आगे बढ़ते हैं और इसी में राइट क्लिक मारते हैं, एक आता है शार्पन टूल, जो इसको क्या करेगा, शार्प करेगा, ब्लर से हटा के शार्प करेगा। तो ये शार्प वो अच्छा नहीं लगता, अजीब टाइप का शार्प कर देगा, देख लीजिए इस तरह का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ब्लर टूल को हटाते हैं हम, कंट्रोल अल्ट जेड, कंट्रोल अल्ट जेड, कंट्रोल अल्ट जेड, ये हो गया साफ। उसके बाद एक आता है स्मज टूल। अब स्मज टूल देखिए कैसे क्या काम करता है, हम कोई भी इमेज ले लेते हैं, हम इस बार हीरोइन का नहीं लेंगे क्योंकि चाहे तो हम पे FIR कर दे गलत काम करने पे। चलिए तो आगे लेते हैं हम कैसे क्या काम करते हैं, हम ज्यादा नहीं करेंगे, लेते हैं स्मज टूल। स्मज टूल क्या करता है, किसी भी जगह का कलर को स्मज कर देता, मतलब पोस्टता है, देखो कैसे करते हैं। जैसे यहां पर हमको आईब्रो हटाना है, स्मज टूल ये यहां से इस लेयर को हम यहां से स्मज करते हैं। ओ वाओ, भूत बन गए, पूरा इमेज नहीं दिखाएंगे, थोड़ा ही से दिखाएंगे, नहीं तो पूरा दिखाएंगे तो कुछ गंदा लगेगा। तो यहां देख सकते हैं हम इसका क्या किए, आईब्रो को स्मज कर दिए, मतलब वहां का लेयर को, लेयर बोल रहे हैं, वहां का कुछ पार्टिकल्स को स्मज कर दिए, वहां का पार्टिकल को स्मज कर दिए, पोज दिए इधर लाके। तो यहां देख रहे हैं इसका हम यहाँ इरेज करते हैं। अब देखते हैं किसी किसी का बाल क्या होता है, थोड़ा सा जब फोटो आता है बाल यहाँ आ जाता है, तब बोलता है नहीं हमको बाल को कट करना है, बाल को अपर करना है, तो हम स्मज टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए स्मज टूल से कर किए क्या कि हम उसका बाल सब जो है थोड़ा सा शिफ्ट डाउन किए। अब इससे हम इसको टकला भी बना सकते हैं, जी हाँ टकला भी बना सकते हैं, चाहे तो हम इसको पूरा का पूरा स्मज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टकला हो जाएगा, ऊपर का बाल को हम क्या कर देंगे, इरेजर टूल से इरेज कर देंगे। ये था स्मज टूल, तो ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा चलिए कोई बात नहीं। तो ये था स्मज टूल। स्मज टूल के बाद एक आखिरी टूल जो आज हम पढ़ाने वाले हैं वो है डॉज टूल। डॉज टूल से क्या होता है कि इमेज में थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाता है, ये सब हटा देते, गंदा लग रहा है स्मज टूल बिना आईब्रो का हुआ। देखिए यहाँ ऑप्शन यहाँ डिलीट का भी आता है, वो भी वहां से भी डिलीट कर सकते हैं आप। चलिए तो हम करते हैं यहां पर इस्तेमाल करेंगे अब डॉज टूल का। डॉज टूल का सिंपल इसमें भी यही चीज है, डॉज क्या करता है, ब्राइटनेस बढ़ाता है। यहां देखिए एक्सपोजर जितना रखिएगा उतना ज्यादा रहेगा,
आप लोग का पीसी में हो सके तो 88 हो या 100 हो, इसमें क्या होगा यहाँ देखो पूरा ब्राइटनेस व्हाइट कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसका ब्राइटनेस हमेशा जब भी रखिए तो काम करिए तो किस पे करिए 30 पे। 30 पे होगा क्या कि कम रहेगा, आप जितना बार मारिए वहां पर और करते हैं 30 पे कर लेते हैं या 25 पे करते हैं, हल्का हल्का ब्राइटनेस आएगा क्योंकि अगर कहीं ज्यादा पड़ जाता है कहीं कम पड़ जाता है, इसीलिए हल्का हल्का ब्राइटनेस कीजिए और इमेज को देख रहे हैं कि हल्का सा इसमें ब्राइटनेस आ रहा है। इस डॉश टूल का मदद से हम क्या कर सकते हैं स्क्रीन में स्किन में चाहे कहीं पे भी इमेज का किसी भी जगह पे हम ब्राइटनेस ला सकते हैं। किस टूल के मदद से, तो डॉश टूल के मदद से। और एक टूल आता है क्या, बर्न टूल। बर्न टूल से क्या करता है उस जगह को जला देता है, जी हाँ जला देता है, क्योंकि नाम ही है बर्न टूल। इसका इस्तेमाल शायद हम पार्ट 1 में किए थे, हाँ गाल को हम जला दिए थे। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें राइट क्लिक मारे और राइट क्लिक मार के यहाँ बर्न टूल को सेलेक्ट किए। अब यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ देख रहे बर्न हो रहा है। एक्सपोजर हम 50 पे रखें, अगर 100 पर रखेंगे तो ज्यादा जलेगा एक साथ। यहाँ देखिए जल गया, गाल क्या हो गया यहाँ जला हुआ इफेक्ट आ गया। तो इसको हम हटाते हैं, समझ गए होंगे बर्न टूल। उसके बाद आता है स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल अगर हम किसी कपड़ा को भिंगा के अगर कहीं पे हम पोंछते हैं तो वहां क्या करता है, वहां का इरेज कर देता है, उस चीज को इरेज करता है। वहां अगर कलर रहेगा तो क्या होगा, उस कलर को हटा देता है। तो सेम चीज यहाँ भी स्पॉन्ज टूल काम करता है। अगर हम स्पॉन्ज टूल का इस्तेमाल करेंगे तो वो करेगा क्या, वहां जितना भी कलर होगा उसको हटा देगा और वो वहां का एरिया क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। देखिए हम अगर पूरा इमेज को लेते हैं, अगर इसका बॉर्डर को पूरा कर देते हैं, यहाँ हम स्पॉन्ज टूल का इस्तेमाल किए, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ का कलर गायब हो गया और ये क्या हो गया, एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर हो गया। तो आज का ट्यूटोरियल हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन पे जरूर हिट कीजिएगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।